मेरा नाम सर राम कुमार है, जिला करनाल का रहने वाला हूँ मैं, गांव गीड़ है मेरा जी। तो यहाँ से अपना यमुनानगर से गाड़ी चलाते हैं, जामनगर गुजरात में पड़ता है और गुजरात से कलकत्ता जाते हैं। इसमें 20-22 दिन लग जाते हैं चक्कर में ही, गाड़ी में रहना पड़ता है सर, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, इतनी गर्मी होती है गाड़ी में कि सो नहीं पाता आदमी, 2-2 घंटे तक सोना पड़ता है पूरी पूरी रात में, मच्छर ये वो गंदगी, नींद में गाड़ी चलानी पड़ती है, उसे हादसे होने के चांस भी रहते हैं जी। कोई सुनवाई नहीं है सर, जैसे सर गाड़ी लेके जाते हैं 20-22 दिन घर से बाहर रहते हैं, बीवी बच्चों के पास नहीं जा सकते, लोडिंग में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे अपने गाड़ी लोड नहीं हो पाती, माल भी नहीं मिलता सर, 10-10 दिन 5-5 दिन लग जाते हैं, कहीं खाने की सुविधा नहीं होती, कई गाड़ियों के साथ होता है सर। मेरा नाम विक्रम है, मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ और हमारा रूट है जी यमुनानगर से मुंबई जाते हैं। मुझे वैसे ड्राइविंग लाइन में तो 3 साल हो गए हैं, माल वगैरह नहीं मिलता भरने के लिए, और मिलता है तो उसका रेट नहीं है, रेट बहुत कम लगता है, आजकल टोल टैक्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो बस तब जाता नहीं है कुछ, घर से तो 10-12 दिन दूर रहना पड़ता है। वैसे हमारी तो 24 आवर्स की सर्विस है, मतलब ड्यूटी है हमारी 24 घंटे की, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी सैलरी बहुत कम मिलती है ड्राइवरों को। अभी जैसे बात आप बाहर जाते हो, कितने दिन तक अपना काम आपको मिल जाता है वापसी में? वापसी में अगर यहाँ से हम जाते हैं, मान लो 4 दिन जाने में लगते हैं, ठीक है, तो कम से कम भी 2-3 दिन वहाँ ख़राब हो जाते हैं, माल मिलने में फिर भरने में रेट वगैरह की दिक्कत होती है वहाँ पे। ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम के आप जब इस एरिया से दूसरे एरिया में पहुँचे तो आपको उस दिन जिस टाइम आप लोड अनलोड करोगे वहाँ जाके, उस दिन आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है और यहाँ से मेरे को वापसी का लोड मिलेगा, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें फालतू घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जहाँ हम गाड़ी अनलोडिंग करेंगे वहीं से हमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी भाई वहाँ जाके गाड़ी लोड करनी है। बस उससे मिलना, तो रेट वगैरह आप ही लोग डिसाइड करते हो, हम 2-3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं एरिया में कि ये माल अवेलेबल है, अगर जो आप चाहो तो उससे मिलो और आप वहाँ से अपना लोड, आप रेट वगैरह आप ही लोग डिसाइड करते हो। हाँ, लेकिन रेट अगर जो आपको वारा करता है, एक से कर लो, दूसरे से करता है, दूसरे से तीसरे से, इस हिसाब से हम आपको सर्विसेज देते हैं, इसका कुछ आपको या जैसे मिल जाए तो कोई होगा फ़ायदा? नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब आपका टाइम बचेगा कुछ। हाँ जी, और शायद इससे आपको घर पे आने में थोड़ी जल्दी होती है, हमारे लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए जी। अच्छा, मतलब अगर जो हम सुविधा आपके लिए लेके आ रहे हैं जैसे ट्रक सुविधा की तरफ से, हाँ जी, आपको जैसे आप माल ले जाते हो बाहर, हाँ जी, आपको माल की उस साइड से पहले ही मिल जाए कि इस दिन आपको वापसी करनी है, तो उस टाइम पे आपको माल मिल जाए, और जिस टाइप के आप माल में डील करना चाहते हैं वही आपको मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी अच्छा लगेगा जी, मतलब आपको फ़ायदा होगा? फ़ायदा यही हमारे को, तो उससे घर आदमी टाइम से आ जाता है, टाइम से चला जाता है जी।